हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार, मैं आप लोग को स्टडी सिलो से स्वागत करता हूं। देखिए भैया, आज जो है मैं आप लोग के लिए क्या लाया हूं, लुकास अभिकर्मक। और दोस्तों, मैं ये लुकास अभिकर्मक द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का परीक्षण कैसे किया जाता है और इसे किस प्रकार से विभक्त किया गया है, ये मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। और जानते हैं मैं ये क्यों लाया हूं? मैं ये लाने वाला नहीं था, लेकिन लाया हूं मैं रवि रंजन कुमार के लिए। किन के लिए? तो रवि रंजन कुमार के लिए। उनको इसमें दिक्कत था, इसलिए उन्होंने कमेंट किए थे, समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये लाया हूं, जिससे दोस्तों एक आदमी अगर कोई क्वेश्चन करता है, जानते हैं क्लास में कोई एक आदमी क्वेश्चन करता है तो उससे सभी स्टूडेंट को फायदा होता है। कितने लोग क्लास में बैठे हुए शर्मा जाते हैं कि हम क्वेश्चन करेंगे और सब हंस देगा। अरे भैया, हंसने वाले को हंसने दीजिए, अरे जरूरत आपको ना है। आपकी इशारा से सब समझ रहा है, समझ रहे ना? आपकी इशारा से सब समझ रहा है तो आप महान हुए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, समझ रहा लो ना भाई साहब? चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं, और समझ में आएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक तो जरूर बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार यही बात कर रहा हूं। और रवि रंजन जी के लिए देखिए मैं यही लाया हूं, और सभी के लिए, क्योंकि हो सकता है तो कहीं आईएससी में पूछ दिया जाए। तो ध्यान दीजिए, लुकास अभिकर्मक द्वारा अल्कोहल का परीक्षण। तो देखिए, सबसे पहले नंबर बात, कितना आदमी नहीं जानता है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कैसे लिखा जाता है। कभी कभी बाई चांस यदि दे दिया जाए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल लिखने के लिए, जानते हैं देखिए, ये आर, आर अकेला रहे, समझे, तो ये 1 डिग्री हो गया। आर दो रहे और ओएच रहे तो 2 डिग्री हो गया। अगर आर 3 रहे और ओएच रहे तो ये 3 डिग्री हो गया। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि यह भी फॉर्मूला गलत है। देखिये, इसके लिए शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध मुख्य रूप से ये एमीन के लिए लागू होता है। कौन सा समूह के लिए? तो एमीन के लिए। लेकिन अल्कोहल के लिए देखिए, ये हो गया आप लोगों के लिए 1 डिग्री अल्कोहल, मुख्य रूप से हम बता रहे हैं। देखिए, मैं जो भी बताता हूं क्लियर करता हूं। और ये हो गया आप लोगों के लिए 2 डिग्री, और ये हो गया आप लोगों के लिए 3 डिग्री। अरे भैया, सबसे पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के बारे में क्लियर हो जाएगा तब ना। तो देखिए, 1 डिग्री को हम लोग प्राइमरी कहते हैं, सीधा होगा। 2 डिग्री में फंक्शन ग्रुप के निकट से एक ऊपर निकला हुआ रहेगा तो 2 डिग्री हो गया, या इसको सेकेंडरी कहेंगे या आइसो कहेंगे। फंक्शन ग्रुप के निकट से 2 निकला हुआ रहेगा ऊपर नीचे तो 3 डिग्री या टर्सियरी कहेंगे इसको, समझ रहे? 3 डिग्री या टर्सियरी कहेंगे। तो ये बात बहुत लोग नहीं जानते हैं और डायरेक्ट हनुमान गियर मानने लगते हैं, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जो कुछ भी जानिए पूरा एकदम गहराई से जानिए, नहीं तो नहीं जानिए, जानते हैं? या तो आप अंत कीजिए, नहीं तो आपको अंत करने के लिए तो अंत करने वाला है ये। हाँ, तो ध्यान दीजिए, अनाद्र, मतलब जानते हैं अनाद्र के हम लोग बोलते हैं अनहाइड्रस, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एवं सांद्र, मतलब कॉन्क सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लुकास अभिकर्मक कहते हैं, को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। और लुकास अभिकर्मक को हम लोग एल आर कहेंगे, एल से हो गया लुकास, अभिकर्मक का इंग्लिश होता है रिएजेंट, तो एल आर कहेंगे, समझ रहे हैं? तो देखिए, ये शॉर्टकट है फॉर्मूला के लिए, शॉर्टकट में लिखने के लिए लिख दिया हूं मैं। तो देखिए, 3 डिग्री अल्कोहल को जब लुकास अभिकर्मक से परीक्षण किया जाता है तो 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बनता है। तो 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बनता है, लेकिन ये कैसा बनता है? तो ध्यान में रखिएगा, यह बादल जैसा तुरंत नमी में प्राप्त होता है, यह अवक्षेप होता है, यह बादल जैसा अवक्षेप प्राप्त करता है, तुरंत नमी, बादल जैसा अवक्षेप नमी प्राप्त करता है। अब 2 डिग्री अल्कोहल में देखिए, 2 डिग्री अल्कोहल जो है लुकास अभिकर्मक से परीक्षण करके या अभिक्रिया करके, वही परीक्षण कहिए या अभिक्रिया की कहिए, जैसे मैं बता देता हूं, घर में खाना बनता है, अरे आप लोगों के पास बनता है? अरे हम लोग तो मानव मनुष्य है तो खाना बनवे करेगा, घास फूसा तो नहीं ना खाते हैं? तो उसको टेस्ट किया जाता है, यानी कि परीक्षण किया जाता है, समझ रहे हैं? या उसको हम लोग अपने मुंह में रख करके रिएक्शन करते हैं कि वह कैसा है, तो वही बात हुआ, रिएक्शन कहिए या परीक्षण कहिए, बात एकदम वही है, एकदम। तो वही लुकास अभिकर्मक द्वारा परीक्षण करते तो 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बनता है, लेकिन यह अल्काइल क्लोराइड 2 डिग्री बनवे करता है, लेकिन कैसा बनता है? तो यह बादल जैसा नमी 5 से 10 मिनट में प्राप्त होता है, यानी कि अवक्षेप, यह बादल जैसा अवक्षेप जो है नमी वाला कितना देर में प्राप्त होता है? तो 5 से 10 मिनट में, तुरंत प्राप्त नहीं होता है, 5 से 10 मिनट इसमें टाइम लगता है। जबकि जबकि 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल लुकास अभिकर्मक से परीक्षण करता है तो 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड
यानी कि जितना डिग्री अल्कोहल था और लुकास अभिकर्मक से किया है वह उतना ही डिग्री अल्काइल क्लोराइड बनाया है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नता आया है, यही है भिन्नता। तो यह कोई बादल जैसा अक्षेप नहीं बनाता है, यह कोई बादल जैसा अक्षेप नहीं बनाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये बहुत ही छोटा वीडियो मैं लाया हूं आप लोगों के लिए, समझ रहे हैं ना। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो दोस्तों एक लाइक बनता है, अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी आईएससी का स्टूडेंट है उन्हें अवश्य शेयर करें, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो आईएससी में 20 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछेगा और 15 नंबर का पचनवरिया में कैसे पूछेगा, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे बाहर 5 नंबर वाला क्वेश्चन और 2 नंबर वाला नहीं पूछेगा, मैं उतना ही वीडियो डालता हूं जो आईएससी में पूछता है। मैं जो हूं दोस्तों जानते हैं, मैं सिलेबस का डालता हूं लेकिन कोई देखवे नहीं करता है, सब आंडू झांडू बांडू सब देख लेता है, समझ रहे, झांडू बाम वाला देख लेता है, मतलब उपरका छपरका वाला, मतलब फेकू, मतलब जैसे होता है ना कि ऊपर से बना दिया गया कि ऐसा, मैं मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ऐसा मैं इसको बताऊंगा कि आप लोग कभी भी भूल नहीं पाएगा। तो दोस्तों वो सभी जो है कंपटीशन लेवल का हो जाता है, सभी लोग वही देखते हैं। मैं जो सिलेबस लेवल का बताता हूँ फिर भी जानते हैं कंपटीशन लेवल का स्टूडेंट ज्यादा है यूट्यूबर्स पर, जबकि सिलेबस लेवल का बहुत कम है। फिर भी सिलेबस लेवल का जो भी है वह जानते हैं, वो तो दुनियादारी जानते नहीं है। उनके सामने में अगर वीडियो चल रहा है, नीचे अगर आ गया कोई वीडियो, अगर मान लीजिए कोई लेडीज देख रहा है और नीचे से आ गया कि आप इस प्रकार से मेहंदी लगाइएगा या इस प्रकार से आप यदि यह यूज कीजिएगा तो बहुत गोरापन आ जाएगा या ये वगैरह वगैरह, तो जानते हैं वो वही क्लिक करके देखने लगते हैं। और स्टूडेंट यानी कि लड़का का क्या आदत है कि नीचे आ गया, अरे अरे गाना तो बड़ी मस्त है, तुरंत क्लिक करेगा और तुरंत देखने लगेगा। तो यही खराब आदत है, अरे गाना भी सुनिए और गाना सुनिए लेकिन पहले पढ़ाई। अरे 5 मिनट का वीडियो है तो 5 मिनट पढ़ाई भी तो कर सकते हैं, 5 मिनट, और 10 मिनट के गाना सुन लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो याद नहीं है उसको सर्च कीजिए यूट्यूब पर, अरे हमसे अच्छा अच्छा टीचर है, सर्च कीजिए और जो चीज का दिक्कत है उसे सर्च करके पढ़िए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा वीडियो देखिए, मैं कह रहा हूं कि जहां पर दिक्कत है यूट्यूब पर बहुत ऐसा वीडियो है, अच्छा अच्छा टीचर है, अरे हमको छोड़िए बहुत सारा है। तो चलिए दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा बोल दिया हूं, तो चलिए दोस्तों इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।